शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पहले जाके भानु जी को बताओ कि तुम्हारे बाप की आंखें ठीक हैं, फिर हम खुद डॉक्टर को बुलाएंगे। अगर हमने उन्हें बता दिया तो हम भानु भैया की नजर में हमेशा हमेशा के लिए झूठे साबित हो जाएंगे, इसलिए हम उन्हें सच नहीं बता सकते। नहीं माता रानी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे श्रवणी बेटा। भैया आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब ये नया रायता फैल गया, दोनों भाई में मेल मिलाप हो रहा है। हमको समझ में नहीं आता हमारी सारी चाल उल्टी कैसे पड़ जाती है। पापा को बचा लीजिए। आज दोनों भाई गले मिले हैं, कल को ये भाईचारा हमारे गले की हड्डी भी बन सकता है। भानु जी ने केशव को माफ कर दिया तो लाइए, सर में थोड़ा तेल लगाते हैं। नहीं रहने दो। हाय, पूरे हवेली का जिम्मा लेके बैठे हुए हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। अपने लिए ना रखिए, हमारे लिए रख लिया करिए। क्या सोच रहे हैं? हमें नहीं बताएंगे। बताइए, मन हल्का हो जाएगा आपका। पता है हमें आप अपने भाइयों की बहुत चिंता है। हमको पता है कि आप केशव को माफ कर सकते हैं, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो। और हम आपसे सच कह रहे हैं, मन में बोझ मत रखिएगा। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है, हम आपके फैसले के साथ हैं। तो क्या हुआ? उसने भाभी के रिश्ते का अनादर किया है, इज्जत नहीं रखी, मान ना रखा हो। पर हम उसको देवर नहीं मानते थे, छोटा भाई मानते थे। हम बड़प्पन दिखाने से पीछे थोड़े हटेंगे। हम सच कह रहे हैं भानु जी, आप अपने मन पे बोझ मत रखिएगा। आपको माफ करना है, माफ कर दीजिए। हम दो भाइयों के बीच में कभी नहीं आएंगे, हम आपके साथ हैं, माफ कर दीजिए। इस जीवन में तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। हटाओ इसे। इतना गुस्सा, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते। इससे पहले ये गुस्सा कम हो, इस आग को और ज्यादा भड़काना है, ताकि ये सारे मिलकर भी ना इसे बुझा ना पाए। आपसे कहा था ना कि जब भी हम माता रानी को याद करते हैं तो छट से हमारी बात सुन लेती। और देखा, हमने माता रानी को याद किया और उन्होंने छट से भानु ताऊ जी को भेज दिया और आप ठीक हो गए। भानु ताऊ जी ने आपको बचा लिया। हम तो घबरा ही गए थे।
लेकिन बाबा मतलब बिल्कुल अड़े गए थे। यहाँ के गवाने को तैयार थे लेकिन भानु ताऊ जी का भरोसा तोड़ने के लिए नहीं। नमस्कार है, हम अभी भी आपसे गुस्सा है। अच्छा जरा इधर तो दिखो। अरे बाप रे बाप, इतना गल फुला रखा है। जरा लाओ पचका दूँ। हाँ बेटा सब ठीक हो गया है, देखा ना तुमने अपनी आंखों से कैसे भानु भैया ने हमें प्यार से गले लगाया था। हमें तो पूरा यकीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देंगे। हमें भी गलत फहमी मत पालो। तुमने ऐसा काम किया है कि उसकी कोई माफी नहीं है। माफ नहीं किया हम तुम्हें, मर रहे थे तुम। राह चलता कोई भी होता तो हम उस पर भी तरस खा जाते। तरस खाया है तुम पे हमने, माफी नहीं दी है। भैया बस 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में अपनी बेगुनाही साबित कर देना। अगर 2 दिन में तुमने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करी ना, चुपचाप यहां से तुम तीनों हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। समझे तुम? बाबा अब हम 2 दिनों में कैसे साबित करेंगे? शर्मी कहां जा रही हो? ये रुपेश को क्या हुआ है? आजकल पता नहीं क्यों इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। अंकुरी रुपेश तुम कहाँ हो? हम कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? देखा नहीं। देखा नहीं मतलब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? था कि तो जाना चाहिए था ना रुपेश। क्यों हर बार बता के जाना जरूरी है क्या? आधे वक्त वो वीरेन सवाल जवाब करता है और अब तुम भी शुरू हो गई हो। गलती तो हमारी है ना, बावर्ची बन के आए थे, कैदी बन के रह गए हैं यार। रुपेश दम घुटता है हमारा पंखुड़ी, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे। गुट्टा है मतलब? मैं फिकर हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछ रहे थे। तो बस सब्जी लेने भी तुमसे पूछ के जाते? तो ठीक है, अगली बार से सब्जी तरकारी लेने भी तुम हमारे साथ चलना। बात करती हो? अंकुरी बुआ ये रुपेश भैया को क्या हुआ? एकदम से इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हमने तो कभी उनको ऐसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। सॉरी अंकुरी सॉरी, लेकिन तुम हमसे नफरत करोगी तो हमें भूलना आसान होगा तुम्हारे लिए। रो मत अंकुरी बुआ, रो मत। वैसे भी दोस्तों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है ना? अब रोइए मत। तुम्हें पता है श्रवणी, आज रुपेश का बर्थडे है। हम तो बस उसे विश करने आए थे लेकिन वो रोइए मत। श्रवणी अब हम क्या करेंगे? चाची ने हमें बताया कि आज हमारे बाबा ने केशव चाचू को डांटा
और उनसे ये भी कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हम सबूत कैसे ढूंढेंगे? कुछ बोलो श्रवणी। पता है बंटी, आज पंखुड़ी बुआ और रूपेश भैया की बहुत जोरदार लड़ाई हो गई और पंखुड़ी बुआ बहुत रो भी रही थी। और पता है आज रूपेश भैया का बर्थडे, बहुत बुरा लगा हमें सब देखकर। अरे बाबा, यहाँ तुम्हारे घर से जाने की नौबत आ गई है और तुम्हें उनकी पड़ी है। और बंटी, लड़ाई करने के बाद जो पंखुड़ी बुआ इतनी जोर जोर से इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, वो उसका कुछ नहीं। तुम चाहते हो कि हम उनके लिए कुछ ना करें। तुम हमें देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। हाँ, हमें माफ कर दो श्रवणी, बात तो तुम्हारी सही है पर हम तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं है ना। बंटी, किसने कहा तुम्हें कि तुम अच्छे नहीं हो? अच्छा, एक काम करते हैं, आज रुपेश भैया का बर्थडे है ना, तो हम इंटरनेट से देखकर उनके लिए एक बढ़िया सा केक बनाते हैं। कम मूड अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा अच्छा होएगा। हाँ बंटी, ये बहुत अच्छा है। पंखुरी और रुपेश का चक्कर है और ये बात इस श्रवणी को पता है, हम कैसे चूक गए? ये किचन में कौन अपना फोन छोड़ के गया है? तो आ रहे हो ना आज तुम? क्या हुआ, सौदा करके गए थे ना हमसे, और वो भी खुद आकर? और अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो हम याद दिला देते, खून का बदला खून। क्या नाम है वो लड़की का? पंखुड़ी, जिसने हमारे पति का खून किया है। अब अगर तुम चाहते हो कि हम उसका कुछ ना बिगाड़े तो चुपचाप आ जाना। और वैसे भी हम तो तुमको जुबान दे ही चुके हैं कि हम पंखुड़ी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना पंखुड़ी जिंदा नहीं मिलेगी। इतना बड़ा कांड हो गया हमारे घर में, आपको पता ही नहीं है? बताओ, इतनी बड़ी खबर हमारे हाथ में लगी है और हम इसका फायदा ना उठाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाभी आप यहाँ? ये फोन तुम्हारा है? हाँ। फोन आया था, हमने उठा के बात कर ली, ब्लैकमेलर का। ऐसे काय देख रहे हो? तुमको पता पंखुड़ी से प्यार करते हो, हमारी हवेली में का होता है, कब होता है और कैसे होता है, तुमको सब पता होता है। डरो मत, हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले। तो तुम्हारे प्यार को ना, यहाँ पर कोई समझने वाला है नहीं और कोई हमारे जैसा नहीं है, किसी को नहीं समझ में आएगा तुम्हारा त्याग कि तुम उसको बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में कूदने जा रहे हो। अरे हमको अच्छा नहीं लग रहा है तुम इस तरह से घबराए। उस औरत का नंबर दो, लाओ हम उसको ठीक करें, बात करो। दो, लगा के दो। अभी उसके पास सबूत है कि वो पंखुड़ी ने खून किया है। सबूत को दबाने में हमसे ज्यादा माहिर कौन हो सकता है, ये तो तुम जानते ही होगे। अंकुरिया कुछ ना कुछ तो बताई होगी तुमको। हम संभाल लेंगे, फोन लगा के दो। लेकिन एक बात, यहां से निकल के भाग जाइए पंखुड़ियों को लेकर। भाग जाएं? हाँ भाग जाओ। तुमको क्या लगता है तुम्हारी बारात आएगी इस चौखट पर? हाँ, धूमधाम से पटाखे जलाएंगे, तुमको भले ही जला देंगे,
अगर घर में किसी को पता चल गया और हम अपनी पंखुरी के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए कह रहे हैं उस औरत का नंबर दो। तुम भी हमको गलत समझते हो ना, हमको पता है हमारी सच्चाई क्या है, हमको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा ना तो एक दिन सबके सामने अपनी सच्चाई साबित कर देंगे रुपेश, पर जो भी है हम अपना देख लेंगे, पहले तुम पंखुरी और अपना देखो। उस औरत का नंबर दो, हम सबूत लेकर आएंगे, उस औरत को हम ठिकाने लगाएंगे, भौंदों को ठिकाने लगाए। लेकिन एक शर्त है हमारी, तुम हमारी पंखुरी को लेकर चले जाओ, उससे शादी कर लो जाके, हम उसके साथ अन्याय नहीं देख सकते। और आज रात, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लो, केक तो बहुत बढ़िया बन गया। रुपेश भैया जैसे इस केक को देखेंगे ना, उनका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। अवनी, अंकुरी कहाँ है? जी? जी की बच्ची? हमने खुद पंखुरी को बाहर जाते हुए देखा, हमको पता है कि तुम्हें सब पता है। श्रवणी, पंखुरी कहाँ गई है बताओ। हुआ रुपेश भैया से झगड़े के कारण बहुत परेशान थी, लेकिन इतनी रात को कहाँ गई होंगी? कहीं उन्हें कुछ उस औरत का नंबर दो, हम सबूत लेकर आएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, तुम हमारी पंखुरी को लेके चले जाओ, उससे शादी कर लो जाके। पेश क्या हुआ, इतनी रात को क्यों बुलाया हमें यहाँ? हम पे भरोसा करती हो? कैसा सवाल है? पंखुड़ी बताओ, हम पे भरोसा करती हो? हाँ रुपेश, हमसे प्यार करती हो? हाँ, पर तो हमारे सर पर हाथ रख के कसम खाओ, हम जो कहने वाले हैं उसके लिए तुम मना नहीं करोगी। हुआ क्या है, कुछ बताओगे हमें? प्लीज पंखुड़ी, खाओ कसम। हम कसम खाते हैं, हम अभी जाके मंदिर में शादी करेंगे। क्या? भानु जी, बिरेन, बाबू जी, बिरेन। अरे चंद्रा, भानु जी, क्या हुआ चंद्रा? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनर्थ हो गया। की इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या? जो हुआ है ना, उसके बाद हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। सारी बिरादरी हम सब पर, हमारे खानदान पर हंसेगी। क्या कहे जा रही हो, साफ साफ बताओगी? पंखुरी भाग गई।
बंकुरी वो रुपेश बावर्ची के साथ भाग गई। खबरदार चंद्रा, अगर तुमने हमारी बहन के बारे में ऐसी बेहुदा बात की तो हम खींच लीजिए हमारी जुबान। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। आपकी नाक के नीचे ये प्रेम लीला चलती रही और किसी को भनक भी नहीं हुई घर में। आखिर वो कमीना हमारी पंखुड़ी को लेके भाग ही गया और आज मौका मिला तो वो भाग गई हम सबको धोखा देकर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंखुड़ी ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? 8 साल पहले आपका भाई भी तो भागा था इस घर से। तो अपने भाई से जो सीखेगी वही करेगी ना। और आज उसकी बेटी श्रवणी भी गई है उसके साथ। श्रवणी, श्रवणी? जी हाँ श्रवणी। आप सबको बच्ची दिखती है ना, वो कोई बच्ची बच्ची नहीं है। हर किसी की तरफ उसकी नजर रहती है, उसको सब पता था। और हमें तो डर है कि उसी ने उकसाया होगा। आखिर खून किसका है? और सबसे बड़ा डर इस बात का है कोई कहीं उसको शादी के लिए ना उकसा दे उस बावर्ची के साथ। बहू, केशव कहाँ है? हो सकता है ये हम दोनों को ढूंढने गए हो। सच सच कहो कि ढूंढने नहीं, शादी कराने गए। इन लोगों के पास 2 दिन का समय था अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, लेकिन अब तो हमें लगता है कि ये यहाँ 2 मिनट भी ठहरे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नेत्रा, निकल जाओ यहाँ से। हमारे छोटे भाई के साथ साथ हमारी छोटी बहन भी मर गई। सुन लिया ना, अपना सामान बांध लो, निकलो यहाँ से। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।